हेलो एवरीवन, मेरा नाम योगेश त्यागी है और मैंने आपको कुछ टाइम पहले फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया था, तो आई होप आपने वो फ्लूइड मैकेनिक्स पूरी तरह से एंजॉय किया होगा। और अभी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक न्यू सीरीज ऑफ हाई यील्ड क्वेश्चंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आई होप कि मतलब वो सीरीज भी आप वैसे ही इंजॉय करेंगे जैसे प्रीवियस की थी। तो जितने भी मैकेनिकल, केमिकल एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे मुझे मिले और प्लानेट के चैनल मैकेनिक्स पढ़ाया। Starting this series from 10th of August. Thank you. तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड नाइट, और आई होप कि मतलब सारे के सारे अच्छे होंगे, सब के सब बेहतरीन होंगे। तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया है फ्लूइड मैकेनिक्स। आप लोगों ने पहले फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रखा है और जिन्होंने बीच में भी पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पढ़ रखा है, तो आज का सेशन बेसिकली हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज ऑन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हम लोग यहां से चैप्टर वाइज लेके चलेंगे वन बाय वन। जितने भी लोग हैं पहले एक बार मुझे बताएं कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे। और ये जो सेशन है वो बस हम लोग ये चाह रहे हैं कि खाना वाना खा के हम लोग आए और बस अपना एक सेशन लें लगभग 1 to 1.5 hours का, और बस चुपचाप जाके एक अच्छी सी नींद ले लें, ठीक है। तो जस्ट इसीलिए जस्ट ये सेशन रखा गया है, बाकी लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर दो। आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे, सब लोग सुन पा रहे होंगे और सब लोग एकदम से बेहतरीन होंगे। यस हेलो एवरीवन, बहुत दिन बाद सुनने को मिला, अभी मिलेगा। और ये सेशन आपका डेली का डेली 11 PM पर ही चलेगा, और 11 PM से लेके हम लोग इसको देखेंगे। आज मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं और डेली मेरा कोशिश ये रहेगा कि 15 क्वेश्चन इन द सेंस कि वो लेंदी वाले क्वेश्चन नहीं है। मैंने इसका सेशन का नाम रखा हाई यील्ड क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, हम वैसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि मतलब अभी सब कुछ क्लियर है, और कहीं पे भी बीच में अगर आपको ऐसा लगता भी है कि ना कि कॉन्सेप्ट हमारा गड़बड़ हो रहा है, सर हमें कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो यस आप कॉन्सेप्ट भी अपना बीच में पूछ लेना, मैं उस क्वेश्चन के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता रहूंगा। सो जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कोई भी लोग जो जल्दी में हो, जिनको लग रहा है कि नींद आ रही है, वो आराम से सो सकते हैं। सो दिस इज मी योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल केमिकल एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग। आज का जो सेशन है वो आपका मैकेनिकल एज वेल एज सिविल और एज वेल एज केमिकल, ये तीनों बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। जिस किसी को भी लग रहा है कि मुझे ज्वाइन करना है, वो तीनों बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का सेशन है, अदरवाइज आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी नीड नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 years एंड आई वॉज इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 1 lakh ऑफ स्टूडेंट्स। This is my code. ये मेरा code है त्यागी 100। इस code को आप चाहें तो कहीं पे भी use कर सकते हैं, आपको जहां पे भी free initiative दिखते हैं या आपको लगता है कि मैं plus पे आना चाहता हूं, तो आप plus में भी इस code को use कर सकते हैं। मैं आपके comment देख लेता हूं। Yes, तबाही मचाने की जरूरत है क्योंकि काफी time हो गए और FM का revision अब बहुत जरूरी है, तो revision के साथ साथ हम लोग question कर रहे हैं और इसीलिए हमने just रखा है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि अभी मेरे क्वेश्चन करने की स्पीड थोड़ी तेज रहेगी, मैं चाहता हूं आप भी जल्दी से करें, है ना। मैं वेट नहीं करूंगा कि यार ये वाला क्वेश्चन है जल्दी से बताओ, मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, 2 मिनट का हार्डली, आप देखेंगे कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उस क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज को जस्ट ध्यान रखेंगे। ये सेशन जो है लगभग 1.5 hours का होगा, लगभग एक से 1.5 घंटे के आसपास रहेगा, है ना। हम लोग 11 बजे स्टार्ट करेंगे, 12:30 तक फिनिश करेंगे। 15 क्वेश्चन है, तो आप ये मान के चलो लगभग 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, है ना। सो दिस इज व्हाट अनअकैडमी का ऐप, जिसने भी डाउनलोड ना किया वो डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से इंस्टॉल कर लो, और आपको ये जो कोड है ये इनविटेशन कोड है। आप स्पेशल क्लासेस में जाते हैं, लाइव टेस्ट, फ्री क्विजेस, अनअकैडमी, कॉम्बैट, सब कुछ मिलता है। आप कहीं पे भी इस कोड को लगा सकते हैं, जहां पे भी आपसे कोड पूछा जाएगा, ठीक है। आप स्पेशल क्लासेस पे आते हैं, ऑब्वियसली स्पेशल क्लासेस आप लोग अटेंड करते होंगे मेरी, ये बहुत ही इंटरेक्टिव क्लासेस रहती है। ऑब्वियसली इसमें पोल्स भी क्रिएट, हम लोग जब आप देखते होंगे कि आप पोल्स भी देखते हो, तो पोल्स में आपको पता चलता है कि आप बाकी लोगों से कितने अलग हैं,
आप कहां पे लाई कर रहे हैं, आपकी रैंक क्या आ रही है, क्लास मिस ना हो इसलिए आपको कंटीन्यूअस नोटिफिकेशन आता है, लेक्चर नोट्स मिलते हैं आपको प्रॉपरली, आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप क्लास को कहीं भी देख सकते हैं, तो इसलिए स्पेशल क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस हैं, आपने बहुत सारी हैं, आप चाहे तो इन स्पेशल क्लासेस के थ्रू जा सकते हैं, आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि अनअकैडमी का लर्नर ऐप किस टाइप से काम कर रहा है। ठीक है, दिस इज माय प्रोफाइल, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ऑब्वियसली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि बाकी की जो क्लासेस की इंफॉर्मेशन है वो आप तक आती रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास अनअकैडमी दो टाइप के कोर्सेस हैं, वो प्रोवाइड कराता है आपको पेड में, एक आपके पास प्लस है, एक आपके पास आइकॉनिक है। जिस किसी को लग रहा है कि मैं आगे के 6 महीने यूटिलाइज करना चाह रहा हूं या 1 ईयर यूटिलाइज करना चाह रहा हूं, तो यस आप ले सकते हैं। लाइव क्लासेस इसमें क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस। अगर आप आइकॉनिक में आते हैं तो आइकॉनिक में आपको मिलता है एक पर्सनल कोच, अपार्ट फ्रॉम प्लस, प्लस तो आपके पास है ही, साथ में आपको मिलता है स्टडी प्लानर, प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल, स्टडी बूस्टर सेशंस एंड पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस। तो जिस किसी को भी ऐसा लग रहा है कि सर यहां से कितने बजे उठ जाते हैं, उठने का तो बात नहीं है लेकिन सोता 4 से 5 बजे, ठीक है, उठने का तो नहीं पता, शायद कभी 9 भी बज जाता है, कभी 10 भी बज जाता है, लेकिन 4 से 5 बजे से पहले सो नहीं पाता, ठीक है, ये मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं, बट उठने का नहीं पता, ठीक है। अच्छा, यहां से जस्ट, और मेरे ख्याल से जितने भी इंजीनियर्स होंगे ना, जितने भी होंगे ना, उनका यही हाल होगा, 2-3 तो बज ही जाता है सबको। ये देखिए, आपके पास यहां से 3 टाइप के लेक्चर्स हैं, एक अनअकैडमी प्लस है, यूट्यूब लेक्चर्स हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। मैं हमेशा जस्ट बोलता हूं कि रिकॉर्डेड लेक्चर जो होते हैं वो लीस्ट इफिशियंट होते हैं, हमेशा आप लाइव अटेंड करने की कोशिश करिए, ये YouTube के लेक्चर्स हैं। और आप अगर और अच्छा करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हैं, जहां पे आपको हर चीज सिस्टमैटिक मैनर में मिलती है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, दिस इज द फी स्ट्रक्चर, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के लिए आप ये कोड यूज करिएगा त्यागी 100। जब आप त्यागी 100 यूज करेंगे तो यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के साथ यू विल गेट माई पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है। तो पर्सनल मेंटोरशिप में मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि आपकी लाइफ के लिए अभी ये जरूरी है। इसमें भी आप बेटा कोड यूज कर सकते हैं, नो डाउट, इसमें भी आप कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज त्यागी 100। एंड सेम अभी अनअकैडमी में ये ऑफर चल रहा है 12+2 का, आप यहां से 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री, और 3 महीने का आपका SSC JEE, 24 महीने में 4 महीने का फ्री और 6 महीने का SSC JEE फ्री। सिमिलरली आप 6 महीने का भी लेते हैं तब भी आपके पास 1 महीने का SSC JEE बिल्कुल फ्री मिलता है। तो आप चाहें तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन इस टाइम पे ले सकते हैं, आपके पास आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। चलो, बाकी चीजें जो है हम लोग बाद में बात करेंगे, ये न्यू बैच भी स्टार्ट हुआ है, आप चाहें तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के अंडर पढ़ सकते हैं बाय यूजिंग द कोड त्यागी 100। आप इस कोड को यूज कर सकते हैं और इस कोड के थ्रू पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जल्दी से स्टार्ट करिए। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस रहेगा, पूरा का पूरा चैप्टर वाइज रहेगा, कुछ भी मिक्सअप नहीं होगा, सारे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो चैप्टर वाइज रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर का आ भी जाता है तो हम उसको लीव करेंगे। सो आज के जो क्वेश्चन है वो बेसिकली फ्रॉम चैप्टर 1 है, दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज। इसके बाद हमारा आएगा प्रेशर मेजरमेंट, देन आएगा हमारा यहां से फ्लूइड स्टैटिक्स, तब हम बात करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। चलिए, ठीक है, तो आई होप कि जो पॉइंट है वो सबको क्लियर होगा। जल्दी से क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिए और मुझे बताइए, विजिबल तो है ना सबको। विजिबल तो होगा एटलीस्ट सबको, ठीक है, कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे बताएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। उसने बोला है कंसीडर द फ्लो ऑफ एन इनकंप्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड बिटवीन 2 parallel plates if the upper plates moves to the right with u is equal to 3 meters per second while the bottom one moves to the left with u2 is equal to 0.75 meters per second, what would be the net flow rate at the cross section between 2 plates। यहां पे उसने net flow rate पूछा है, take the plate width to be 5 cm, ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहना, ये 15 दिन सेशन चलने वाले है ना, 15 दिन फ्लूइड मैकेनिक्स फिनिश होने के बाद हम लोग हीट ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे, फिर हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन करेंगे, तब तक थर्मो आ जाएगा, फिर थर्मो के क्वेश्चंस करेंगे, फिर थर्मल एप्लीकेशन आ जाएगा तो थर्मल एप्लीकेशन करेंगे, सब कुछ फिनिश करेंगे। बस आप देखते रहना, बस आप ध्यान रहना कि हाँ मुझे करना है और कैसे करना है।
फ्लूइड मैकेनिक्स का बाकी क्लासेस बेटा दूसरा प्लेलिस्ट देखो ना, उसमें आ चुका है। दूसरा प्लेलिस्ट देखो, वो दूसरा जो प्लेलिस्ट है ना उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स की बाकी क्लासेस हैं, तो प्लीज आप उसको देखो, आपको मिल जाएगा, है ना। आपने देखा ही नहीं दूसरा प्लेलिस्ट, अगर देखा होता तो डेफिनेटली आप बोलते ही ना। जल्दी से बताएं, चलिए क्वेश्चन का टाइम हो गया, क्वेश्चन का टाइम हो गया। आई होप कि मतलब आप लोगों ने किया होगा, और जल्दी से मुझे बताएं कि हाँ कितने लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया, क्या आंसर आ रहा है, कैसा आ रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ना। तो जो भी है वो जल्दी से मुझे बताएं। इसमें स्टॉप वॉच का ऑप्शन आता था, मैं स्टॉप वॉच लगा देता तो सही रहता, आपकी कहानी खत्म हो जाती है ना, बट मिल नहीं रहा है। ठीक है, 0.8 आ रहा है। जल्दी से सुनो, जल्दी से सुनो, उसने यहां से क्या बोला कि एक फ्लो है जो इनकंप्रेसिबल फ्लूड का है, न्यूटोनियन फ्लूड है, दो पैरेलल प्लेट्स उसने बता रखी है, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स बता रखी हैं। उसने यहां से बोला है इफ द अपर प्लेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड और व्हाइल द बॉटम प्लेट मूव्स लेफ्ट with a velocity of 0.75 meter per second, ये आ रहा है 0.75 से और ये आ रहा है बच्चे आपके पास 3 meter per second से। फिर उसने बोला what would be the net flow rate at the cross section between the two plates? आपके पास यहां से net flow rate कितना होगा? बस यहां से बाकी क्लासेस कब आएगा प्लीज बताओ, बार बार मतलब एक ही लाइन जस्ट हमें बोलनी है कि सर फ्लूइड में बाकी क्लासेस कब आएगा बस ये बता दो। अब मैं बोल रहा हूं कि नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट है उसको देख लो, उसमें आ गई है तो उसको भी तो सुन लो यार, है ना। अब बच्चे हमें सबसे पहले यहां से जस्ट ये देखना है कि एक्चुअल में अगर मैं नेट फ्लो रेट की बात कर रहा हूं तो मुझे नेट फ्लो रेट के लिए ऑब्वियसली ये डिस्टेंस जो है टोटल 4 mm दे रखी है। तो हमने यहां से जस्ट मान ली कि लेट सपोज ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एक्स है, तो ऑब्वियसली ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी वो हमारे पास 4 - x बचेगी। ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी वो सर हमारे पास 4 - x बचेगी। फ्लो रेट इज इक्वल टू, अगर आप यहां से बात करेंगे भी तो फ्लो रेट इज इक्वल टू कितना होगा, आप यहां से बोलेंगे सर v नेट और इनटू में हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, एरिया आ जाएगा। अगर हम यहां से फ्लो रेट की बात करेंगे तो फ्लो रेट हमारे पास सर कितना आएगा, हम यहां से जस्ट बोलेंगे सर v नेट इनटू में हमारे पास कितना आएगा, एरिया आ जाएगा। तो हम अगर यहां से फ्लो रेट V-net into area की बात करें तो पहले हम यहां से जस्ट ये देखें कि सर जो भी एरिया आएगा वो कितना आएगा और यहां पे ये कितना पॉइंट हमें यहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो चलो यहां से देख लेते हैं, पहले हम इधर का फ्लो रेट निकालेंगे और इधर का फ्लो रेट निकालेंगे, देख लेते हैं जरा। पहले x की बात करते हैं, अगर x की बात करें तो मेरे पास दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, क्या मैं दोनों ट्रायंगल को यहां से कंपेयर कर सकता हूं? एक लेंथ बेटा आपके पास x है डिवाइडेड बाय, मैं यहां से 4 - x लिख रहा हूं, इट इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा जल्दी से बताओ। एक लेंथ मेरे पास x है, एक लेंथ हमारे पास 4 - x है, क्या मैं ये लिख सकता हूं 0.75 डिवाइडेड बाय सर 3 आएगा। और क्या आप यहां से x कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आप यहां से x कैलकुलेट कर सकते हैं? और अगर x कैलकुलेट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप यहां से y भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा यहां से। प्रवीण ने आंसर बताया 13 point something, बाकी लोग भी एक बार बताएं कि हां आंसर सही है या गलत है। बता पा रहा है? हाँ, x is equal to 0.8 आ गया, x is equal to हमारे पास सर 0.8 आ गया। अब अगर हम यहां से जस्ट बेटा नेट फ्लो रेट की बात करें
तो हमने बोला कि सर यहां का और यहां का जो टोटल फ्लो रेट है उसमें से आप माइनस कर लो सर, हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन। उसने क्या दिया है क्वेश्चन, उसने बोला है कंसीडर द फ्लो ऑफ इनकंप्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स इफ द अपर प्लेट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ, उसने यहां से क्लियरली बोला है कि 3 मीटर पर सेकंड है, और बॉटम प्लेट उसने यहां से ये बता रखा है, उसने नेट फ्लो रेट पूछा है, इसी क्रॉस विड्थ उसने बता रखी कितनी है 5 सेंटीमीटर। अगर बच्चे उसने विड्थ बता रखी है तो मुझे बस अच्छे से क्लियर हो गया कि मैं यहां से टोटल फ्लो रेट निकालूंगा, समझना, मैं टोटल फ्लो रेट निकालूंगा तो कैन आई राइट कि अगर मुझे क्यू नेट मिलेगा तो क्यू नेट इज इक्वल टू कैन आई राइट क्यू माइनस, आप यहां से जस्ट बात कर रहे हैं ये वाला केवल आपका माइनस हो रहा होगा, तो मैं यहां से क्यू माइनस क्या क्यू एक्स लिख सकता हूं, आप बोलोगे सर लिख सकते हो, और अगर क्यू माइनस क्यू एक्स लिखूंगा तो क्यू हमारे पास कितना आएगा, मुझे सबसे पहले यहां पर जस्ट वेलोसिटी के बारे में बताइए कि सर हाँ हमारे पास जो नेट वेलोसिटी आएगी वो हम कैसे निकालेंगे और किस किस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो वाई हमारे पास यहां से चलो एक हमारे पास ये है एक हमारे पास ये है, तो मैं यहां से क्यू ऑफ 4 माइनस एक्स वेलोसिटी कितनी दे रखी है 3, ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास यहां से कितनी दे रखी है 3 इनटू बच्चे हमारे पास एरिया कितना है दैट इज 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस 0.8 और एमएम में है तो 10 to the power आपके पास आ जाएगा -3, ठीक है। तो हमने यहां से जस्ट लिया कि हमारे पास एक्चुअल में एरिया इनटू वेलोसिटी आएगा, तो एरिया के लिए हमें यहां से 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विड्थ कितनी दे रखी है उसने 5 सेंटीमीटर, तो 5 into 10 to the power आ जाएगा -2, माइनस माइनस हमारा ये वाला और आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आएगा बच्चे, हमने यहां से बोला कि 5 into 0.8 into 10 to the power -8 और into velocity कितनी है 0.75। क्या यहां से आंसर बता पाएंगे क्यू नेट कितना आ रहा, क्या यहां से आंसर बता पाएंगे क्यू नेट कितना आ रहा जल्दी से, 0.8 0.8, हाँ सिमिलर ट्रायंगल का हमने यहां से लगाया, ये इक्वेशन कैसे आया कुछ नहीं बच्चे, यहां से एक ट्रायंगल ये है एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, इन दोनों ट्रायंगल का हमने यहां से जस्ट फंडा लगाया है और हमें यहां से क्लियरली दिख गया कि यहां सर ऐसा ऐसा कुछ होगा, बताइए बताइए जल्दी से, हो गया आंसर बताए, चलो एक ने बताया एक ने बताया। देखो आप बोलोगे सर आप यहां से ऐसे जस्ट बात कर रहे थे तो वेलोसिटी इनटू इस एरिया की बात कर गए, जबकि हमें यहां से फ्लो रेट चाहिए और फ्लो रेट चाहिए तो एक ऐसा आ रहा है एक ऐसा आ रहा, तो सर हमें यहां पर ट्रायंगल का एरिया चाहिए होगा, किसी ने तो बताया कम से कम, सर हमें यहां से ट्रायंगल का एरिया चाहिए होगा, आपने सर मिस्टेक कर दी, किसी ने मुझे नहीं बताया कि सर आपने मिस्टेक कर दी, सर आपने ट्रायंगल कैसे ले लिया, अबे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अगर हम यहां से जस्ट देखें तो सर आपने जस्ट कोई एक बंदा बता देता कि सर हम यहां पे ट्रायंगल में ट्रायंगल का एरिया लेके चलेंगे और ट्रायंगल का एरिया बेटा हमारे पास कितना आएगा, आप यहां से लेके चलेंगे 1/2 बेस, बेस कितना है 3 इनटू बचे हाइट कितनी है आपके पास 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 3.2 लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्टली, है ना, 0.8 आया था और 3.8 हम यहां से जस्ट लेंगे तो ये हमारे पास कितना था टोटल डिस्टेंस कितनी थी 4 mm, तो 10 to the power -5 हो जाएगा 5, ठीक है, इनटू वेलोसिटी भी आ जाएगा साथ में, इनटू आपके पास यहां से वेलोसिटी कितनी थी बेटा ये आ जाएगी 3 माइनस माइनस 1/2 आ जाएगा, बेस आपके पास कितना आ जाएगा 0.75, मैंने 3 यहां पर ले लिया था, आई एम सॉरी मैं 3 यहां पर ले गया था, एक मिनट से मिटाने का हो तो 3 यहां पे ले गया था, ये हम बेटा यहां से जस्ट बात कर रहे थे, ये 3.2 हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई और यहां से मैंने यहां से विड्थ ले ली, तो सर हमारे पास एरिया जो आएगा वो ट्रायंगल का आएगा, एरिया जो आएगा वो ट्रायंगल का आएगा और इस ट्रायंगल का एरिया आएगा, तो बस इसी को माइनस करना है, अभी मुझे जल्दी से बता दो
अभी मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। देखो क्या है, मैं आपको फिर से बताता हूं, हमारे पास जब जब बात करेगा किसी भी फ्लूइड फ्लो की, और अगर वो सेम इस टाइप से दे रहा होता तब तो हम यहां से क्लियर थे, हम यहां से बिल्कुल क्लियर थे कि सर हमारे पास एरिया इनटू एवरेज वेलोसिटी आएगा। अगर हम यहां से जस्ट बात करेंगे तो हम इसका एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, मतलब हमारे पास क्या आएगा सर, एक एरिया ये दे रखा है, एक एरिया ये दे रखा है, बस दोनों एरियाज लेने, दोनों एरियाज लेने, जो हमें यहां से बता देगा कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कितनी है। चलो यहां से देख लेते हैं, अगर हम यहां से देखें तो बच्चे इसके बारे में हम देखेंगे 1/2, बेस आपके पास 3, हाइट आपके पास 3.2 है ना। अब हमने यहां से जस्ट बोला कि सर 3.2 और 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, -5 माइनस ऑफ, अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ भी हमारे पास 5 दे रखी थी, 1/2 इनटू हमारे पास 0.75 इनटू 0.8 और इनटू 10 टू द पावर -5 इनटू आ जाएगा 5। सॉल्व कर लो और मुझे जल्दी से क्यू नेट बता दो, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व कर लो जल्दी से मुझे क्यू नेट बता दो। 10 टू द पावर -5 इसलिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और ये आपके पास एमएम में है, कहां गया, एक आपके पास यहां से एमएम में है, 4 एमएम दे रखा है, ये वाली हाइट जो है वो 4 एमएम दे रखी है, इसलिए हमने यहां पे 10 टू द पावर -5 लिया, ठीक है। हाँ बच्चे, ट्रायंगल का एरिया हम इसी का क्रॉस सेक्शन ही तो लेंगे, इसी का क्रॉस सेक्शन ही तो लेंगे, तो हमारा फ्लो इतने में हो रहा है, अगर पूरा होता तो हम पूरे का क्रॉस सेक्शन लेते ना, ये इनटू ये तो रेक्टेंगल आ जाता, अभी हमारा फ्लो किस में हो रहा है, इतने में हो रहा है। अभिनंदन अभिनंदन, देखिएगा ध्यान से, मेरे पास एक्चुअल में कमेंट का नहीं है तो मैं आपका अपना मोबाइल पकड़ के रखा हूं कि कमेंट का देख जाए। आंसर बताओ जल्दी से, 0.00225, तो क्या आंसर 2.25 आ रहा है इंटू 10 टू द पावर -5 आ रहा है, क्या आंसर 225 आ रहा है ये? आंसर जो गिवन है वो 9 गिवन है बेटा, 9 इंटू 10 टू द पावर -6, समझ गए, आंसर जो गिवन है वो 9 इंटू 10 टू द पावर -6 गिवन है, ये आंसर गिवन, और मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे इसको कैलकुलेट, मेरे ख्याल से कर लेंगे इसको कैलकुलेट, इसी को करना है बस कैलकुलेट, इसी को करना है बस कैलकुलेट, हो सकता है कि गलत दिया हो, परेशान मत हो ना, हो सकता है गलत दिया हो, क्या इसको कैलकुलेट करने के बाद ये 2.25 इंटू 10 टू द पावर -4 आ रहा है, क्या ये आ रहा है आंसर? संगम ने बताया है कि 9 इंटू 10 टू द पावर -5 आ रहा है, अरे यार बड़ा मतलब छोटा सा इशू है ये, 15 इंटू 3.2 जरा करो कितना आ रहा है, हाँ इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, परेशान मत हो, पीडीएफ इसी में अपलोड मिलेगा, जो भी क्वेश्चन होंगे उसका पीडीएफ अपलोड मिलेगा, आप पहले इधर करो, आप पहले इधर करो, मुझे जल्दी से बताओ यार, मन आया ना, क्योंकि बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और आंसर आता नहीं है, बाकी सब चीजें सर कर दो लेकिन हम आंसर नहीं देंगे। अभिनंदन पहले मुझे आपका आंसर चाहिए, ठीक है, 2.25 इंटू 10 टू द पावर -4, 2.25 इंटू 10 टू द पावर -4, बाकी आप लोग आंसर चेक कर लेना, ठीक है, बाकी आप लोग आंसर चेक कर लेना कि यही आ रहा है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से और बताइए मुझे, अ प्लेट वेइंग 150 न्यूटन एंड मेजरिंग 0.8 × 8, उसने यहां से बताया है जस्ट स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ओवर एन ऑयल ऑफ फिल्म 1.2 mm थिकनेस फॉर एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री एंड वेलोसिटी ऑफ 0.2 m/s एंड द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, बहुत तेजी में विद इन 30 सेकेंड आपका आंसर आना चाहिए, विस्कोसिटी उसने पूछा है बहुत तेजी में, विद इन 30 सेकेंड बेटा आपका आंसर आना चाहिए, विद इन 30 सेकेंड चाहिए मुझे आंसर,
ठीक है, मेरे ख्याल से जिस जिसने किया होगा वो कर लेगा। थोड़ा सा फास्ट, 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन हमें करके जाने बच्चे ना, ताकि नींद अच्छी आए। ये दिया है इस टाइप से, ये दिया है, ये एंगल थीटा है तो ये भी इसने थीटा दे रखा, और थीटा इज इक्वल टू उसने 30 दिया, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 30 दिया। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि नीचे लग रहा होगा mg, नीचे जो लग रहा होगा mg, और यहां पे जो आ रहा होगा वो mg cos थीटा होगा, यहां पे जो आ रहा होगा वो mg sin थीटा होगा, यहां पे जो आएगा वो mg sin थीटा आएगा। और अगर mg sin थीटा आया तो सर इसी फोर्स से ये नीचे जा रहा होगा, इसी फोर्स से नीचे जा रहा होगा। फोर्स इज इक्वल टू आपने पढ़ा है म्यू इंटू ए इंटू वी डिवाइडेड बाई वाई, फोर्स इज इक्वल टू आपने यहां से पढ़ा है म्यू इंटू ए इंटू वी डिवाइडेड बाई वाई, और फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा है। बाकी सब चीजें आपको पता है, म्यू एरिया उसने बता रखा है 0.8 इंटू 8, वेलोसिटी उसने बता रखी है 0.2, डिवाइडेड बाई गैप उसने बता रखा है कितना है 0.1.2 mm, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 mm में है, ठीक है। और वेट उसने mg की वैल्यू उसने 150 बता रखी है, तो 150 sin थीटा आ जाएगा। जल्दी से मुझे म्यू बता दो, एक लाइन का क्वेश्चन है, 0.07 आ रही है विस्कोसिटी। कोई आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं, किसी ने 0.07 बताया है, किसी ने 1.121 बताया है, सो आई डोंट नो वाई यू आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट आंसर, वाई यू आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट आंसर। और विस्कोसिटी का जो आंसर आ रहा है वो 0.07 आ रहा है, 7 आ रहा है, हाँ राइट, तो 0.7 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। विस्कोसिटी का जो आंसर है वो 0.7 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। मुझे जल्दी से बताएं क्या ये आंसर सही है, मैं आपके साथ करूंगा, आप भी मेरे साथ करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए और चलते चलते, क्या ये आंसर सही है, 0.07 है या 0.7 है, कंफर्म करिए एक बार, मुझे कंफर्म करिए 0.07 है या 0.7 है। आंसर इज 0.07 और 0.7, कोई गलती तो नहीं हो रही है क्या, कोई गलती तो नहीं हो रही है, बताएं जल्दी से फास्ट। पंकज भरद्वाज, पंकी भरद्वाज ने 0.7 बोला है, मनीष 0.07, अंशुमान ने 0.07, प्रवीण ने 0.7, तो दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, और वो अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं आई डोंट नो। ठीक है, सो आंसर विल बी 0.07 आ रहा है हमारे पास, आंसर विल बी 0.07, म्यू जो है बच्चे वो 0.07 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 0.07 इज करेक्ट, ये आंसर सही है और ये वाला आंसर आपका गलत है। और जो लोग 0.07 निकाल रहे हैं वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये वो 0.8 लेके चल रहे हैं, जबकि जो डायमेंशन दी गई है वो 0.8 इंटू 8 दी गई है, बस इतना याद रखना है, जो डायमेंशन दी गई वो 0.8 इंटू 8 दी गई है, तो इस वजह से आंसर जो आ रहा है वो 0.07 करेक्ट है, ठीक है। एरिया कंफर्म कर दिया मैंने, एरिया कंफर्म कर दिया, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 150 mm dia rotates at 1500 rpm within a 200 meter long journal bearing with 150.5 mm internal dia. ठीक है? The uniform annular space between the shaft and bearing is filled with an oil of dynamic viscosity 0.8 poise. Then the shear stress on the shaft will be. Manoj Kumar Anand. गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट, जल्दी से बताएं मुझे,
मैं अगर यहां पे कमेंट ओपन कर लूं, मुझे बताना एक बार, नॉइस तो नहीं आ रहा है? आनंद मुझे बताना एक बार, वॉइस तो नहीं आया मुझे, जल्दी से बताएं मुझे। मैं अगर यहां पे कमेंट ओपन, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर, मुझे बताना एक बार, नॉइस तो नहीं आ रहा? बताएं, सॉरी आप लोग डिस्टर्ब हुए होंगे, मैंने थोड़ा सा एक जगह कमेंट ओपन किया ना, तो फिर अलग टाइप का नॉइज आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कमेंट ओपन किया ना तो फिर अलग टाइप का नॉइज आ रहा है, हटा दिया मैंने, हटा दिया। चलिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी कुछ ऐसा आ रहा है। कुछ इको टाइप का आ रहा है क्या? ठीक है, मैंने कर दिया। उसने यहां से 150 mm डाया, एक उसने जस्ट बोला 150 mm डाया रोटेट एट 1500 mm, कोई बात नहीं, साउंड मेरे ख्याल से अभी क्लियर होगा। 150 mm डाया की एक कोई शाफ्ट है जो रोटेट कर रही है बच्चे 1500 आरपीएम से विद इन अ 200 मीटर लॉन्ग जर्नल बियरिंग। उसने यहां से जो लेंथ दे रखी है वो उसने बता रखी है 200 मीटर है, ये लेंथ जो बता रखी है वो 200 मीटर है। ठीक है, आई होप कि मतलब आप इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट, उसने यहां से जस्ट 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 सेकेंड वाले को म्यूट, हाँ मैं दो चला दिया था। अभी मुझे यहां से जस्ट बताएं, ये वाला पार्ट बच्चे मेरे पास ऐसे आ रहा है। नेक्स्ट हमने यहीं से जस्ट लिया कि इसकी डाया उसने क्लियर बता रखी है, ये हमारे पास एक डाया बता रखी है और डाया उसने यहां से बताई है कि 150 है, 150 है और यहां पे बच्चे हमारे पास है 150.5। ठीक है मनोज, क्वेश्चन कर सकते हो यहां पे, है ना मनोज, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे बात कर सकते हो। ठीक है, हाँ आगे ना आंसर, कई लोगों ने, प्रवीण ने आंसर दिया, अविनाश ने आंसर दिया, बट सब लोगों ने अलग अलग दिया है। और यार कुछ नहीं करना है, उसने यहां से शियर स्ट्रेस बोला है तो छोड़ो बाकी सब चीजें, टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू डीयू डिवाइड बाय डीवाई कर लेते हैं। विस्कोसिटी 0.8 पॉइज है, 0.08 पॉइज है, मतलब हमने यहां से बोला कि हमारे पास कितना था बेटा, वन पॉइज इज इक्वल टू हमने बोला था 0.1 किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड होता है, तो 0.8 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 का मल्टीप्लाई करा दो। और du बेटा उसने यहां से वेलोसिटी बता रखी है, उसने यहां से रोटेशन बता रखा, कितना है आपके पास 1500 आरपीएम, तो v इज इक्वल टू आप यहां से r ओमेगा लगाएंगे और ओमेगा इज इक्वल टू आप यहां से जस्ट बोलेंगे कि सर 2 पाई n डिवाइडेड बाई 60 कर दो, तो हमारे पास यहां से कितना आएगा। अब देखो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा रोटेट कौन कर रहा है, उसने यहां से जस्ट बोला 150 mm वाला रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। अब अगर ये रोटेट कर रहा है 1500 आरपीएम पे, तो उसने यहां से बोला द शियर स्ट्रेस ऑन द शाफ्ट, इसी पे शियर स्ट्रेस पूछा है, तो हमें रेडियस किसकी चाहिए, इसी की चाहिए ऑब्वियसली, तो हम यहां से जस्ट बोलेंगे सर
अंदर वाली रेडियस हमारे पास 150 mm डाया है, तो 0.075 हमारे पास यहां से रेडियस हो जाएगी, इनटू वेलोसिटी हमारे पास यहां से कितनी आ जाएगी 2 इनटू पाई, n हमारे पास है 1500 डिवाइडेड बाय आपके पास यहां से 60 आ जाएगा, और इनटू गैप कितना आएगा, आपको क्लियर होना चाहिए कि 0.5 का गैप है, तो 0.25 का गैप इस साइड है, 0.25 का गैप इस साइड है, तो 0.25 का गैप आएगा, तो 0.25 और इनटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए और शियर स्ट्रेस का मुझे वैल्यू बताइए, जल्दी से सॉल्व करिए और शियर स्ट्रेस का वैल्यू बताइए। अंशुमान ने बताया 3768 और इस सेम प्रवेद ने बताया 3768, तो टाउ इज इक्वल टू बेटा कितना आ रहा है, क्या ये आंसर सही है 3768? 3.769 केपीए, क्या ये सही है? गुड, काफी लोगों ने कर लिया, काफी लोगों ने कर लिया। अरे क्वेश्चन आसान है यार, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन हम वो कर रहे हैं जो हमारे आते हैं, जनरली पूछे जाते हैं डेली का। बेटा एक क्लास का टाइमिंग ये रहा, एक क्लास का टाइमिंग ये रहा शाम को 11 बजे और एक दिन में 12:30 बजे होता है ना। आप मुझे मैसेज करना तो मैं आपको बताता हूँ, आनंद है ना, मनोज कुमार आनंद, आप मुझे मैसेज करना तो मैं आपको बताता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अरे ये तो यार देखते आंसर, देखते आग लगा दो इसमें, देखते एकदम से उड़ा दो इसको, देखते उड़ा दो। द प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ऑफ 50 mm डाया इज 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द सरफेस टेंशन ऑफ इन द सोप फिल्म, उसने पूछा है। सोप बबल है, सोप बबल, सरफेस टेंशन बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन को तो देखते एकदम से हवा में उछाल दो। अरे सर क्या क्वेश्चन पूछ दिया, मजाक कर दिया मेरे साथ। आपको याद होगा मैंने बताया था JDB, आपको याद रखना है, जेट ड्रॉप बबल, जेट ड्रॉप बबल की बात करेगा तो ये हमारे पास यहां से हमने कैसे बोला था 248, दैट इज 1:4 के रेशियो में याद रखना है। अगर यहां से जस्ट बात करेगा तो इसको डी के फॉर्म में, ये आर के फॉर्म में, तो सिग्मा बाई आर, ये कितना आता है 2 सिग्मा बाई आर और ये आता है 4 सिग्मा बाई आर, है ना। तो उसने यहां से बोला है कि सरफेस टेंशन बता दो, प्रेशर इनसाइड द सोप बबल ऑफ 50 mm डाया बोल रहा है, इज 25 न्यूटन अबव द एटमॉस्फेरिक बोला है, तो पी माइनस पी एटमॉस्फेरिक उसने बता रखा है और बबल है, तो सर ये हमारे पास कितना आएगा 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा। बताओ जल्दी से, बता दो जल्दी से, इसको तो देखते ही उड़ा दोगे यार, तो सिग्मा आपके पास निकल आएगा, मैं बताऊंगा नहीं, आंसर सबने बता दिया 0.15625 आ रहा है, 0.15625 आ रहा है और ये आंसर आप लोगों ने मुझे बता दिया है। ठीक है, ये आंसर सब लोगों ने बता दिया, इसको मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा, ये न्यूटन पर मीटर आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। गुड गुड गुड, जल्दी से बताओ, व्हेन द प्रेशर ऑन अ गिवन मास ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज फ्रॉम 3 MPa टू 3.5 MPa, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीज फ्रॉम 500 kg पर मीटर क्यूब टू 50। अरे यार फिर से वही चीज, What is the average value of the bulk modulus of liquid over the given pressure range? जल्दी से, fast, एक मिनट का क्वेश्चन है, एक मिनट छोड़ो सर, 30 सेकंड में लगा देंगे, जल्दी से 30 सेकंड में बताइए, 30 सेकंड में बताइए। बल्क मॉडुलस निकालना है, केवल केवल बल्क मॉडुलस निकालना है। हो गया क्वेश्चन, जिसको फॉर्मूला याद है ना वो कर देगा, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो जय माता दी बोलेगा। बताइए जल्दी से, K इज इक्वल टू रो डीपी बाई डी रो, तो हमारे पास K कितना आ जाएगा, K कितना आ जाएगा, आंसर बताऊंगा डायरेक्टली इसका,
डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। आ गया 250 क्या हाथी या घोड़ा? 250 क्या, आपको ये यूनिट बतानी पड़ेगी। 250 क्या, ये आपको यूनिट जरूरी है बताना, नहीं तो सब गलती हो जाएगी। ठीक है, 250 एमपीए आ रहा है बच्चे, है ना? 250 एमपीए बल्क मॉडुलस इज 250 एमपीए। यस, 250 एमपीए। सो ये हो गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है यार अपने पास, टाइम बर्बाद करने का नहीं है ना, जल्दी से। द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू। अच्छा एक काम करना, ये जो पीडीएफ है मैं देता रहूंगा, आप डाउनलोड करते रहना, डाउनलोड करते रहना बस, और ये अपने पास रखना, है ना? ये लास्ट आपके पास रहेगी। लास्ट में एक नवंबर दिसंबर में एक और सीरीज करवाऊंगा एफएम की, और उसके बाद एफएम में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू 2y माइनस y स्क्वायर। ठीक है, वेयर यू इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, अ पॉइंट y मीटर फ्रॉम द प्लेट मेजर्ड परपेंडिकुलरली। आपको म्यू बता रखा है बेटा, 8.6 पॉइंट सियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाउंड्री पूछा है। सियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाउंड्री पूछा है, और ये भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर हम देखें तो ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, मैं यहां से दो मिनट में सियर स्ट्रेस बता सकता हूं। मनोज मैंने बोला ना तुम्हारे पास मेरा नंबर है, मैं पीडीएफ वैसे यहीं अपलोड करूंगा, पीडीएफ मैं यहीं अपलोड करूंगा इसी वीडियो में, तो कल आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कल आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट उसने बोला है, बताओ क्वेश्चन जल्दी से। 1.467 आंसर आया। अरे यार उसने टाउ पूछा है, तो टाउ इज इक्वल टू सर म्यू इनटू डीयू बाय डीवाई होता है, तो म्यू हमें दे रखा है 8.6 पॉइंट, तो 8.6 इनटू 0.1, डीयू बाय डीवाई हमसे पूछा है, तो डीयू बाय डीवाई निकाल देते हैं, तो डीयू बाय डीवाई हमारे पास कितना आएगा बच्चे, हमारे पास आएगा 2 माइनस 2y। कितनी डिस्टेंस पे पूछ रहा है, 15 सेंटीमीटर पे, तो 2 माइनस 2 इनटू 0.15। आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, डीयू बाय डीवाई की वैल्यू डाल दीजिए, यहां से कितना आ जाएगा बच्चे, 2 माइनस 0.3 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, ये 1.7 आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाय यहां से जस्ट डीयू बाय डीवाई आ गया, आप यहां से सॉल्व कर लो, आपके पास टाउ आ जाएगा। बताओ जल्दी से कितना आ रहा, 1.46। अरे पवन ने 11.33 दिया, बाकी सब ने अलग दिया आंसर, तो पवन क्या हो गया ऐसा, 1.46 इज द करेक्ट आंसर, है ना? 1.46 इज करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट है, 1.46 एकदम करेक्ट है, 1.46 इज करेक्ट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सोचना नहीं है, सोचना नहीं है, है ना? बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं और उनको देखना है बस और सॉल्व करना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। मॉर्निंग करना मॉर्निंग। क्वेश्चन बोला है वर्टिकल क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर। अच्छा मैं बहुत तेज तो नहीं चल रहा हूं, एक बार मुझे बताना कमेंट करके, मैं तेज तो नहीं चल रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग ऐसे सोच रहे हो कि अरे यार पता नहीं क्या बताता जा रहा है, बताता जा रहा है, बहुत तेजी से भागा जा रहा है, ऐसा तो नहीं है बच्चे, क्लियर है ना? तेजी तो नहीं है ना, नॉर्मल है ना, इतना मेरे ख्याल से आपको ये आता है, और मैं मान के चल रहा हूं कि आप क्वेश्चन बस समझिए करिए, समझिए करिए, कुछ भी कॉन्सेप्ट में इशू है तो मुझे लगेगा जहां पर ना बताना है वहां मैं डिस्कस करूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन था उसमें मुझे लगा कि हाँ कुछ बताना चाहिए, फिर ऐसे करके तुम जाओगे, फिर ये गलती करोगे, तो मैंने पूरा बताया आपको, ठीक है? बट यहां पर मुझे जरूरत नहीं समझ में आती, जिस जिसमें जरूरत समझ में आएगी उसमें जरूर बताऊंगा। स्लो लग रहा है ना, क्या ही बात है। A vertical clean glass tube of uniform bore is used as a piezometer to measure P of a liquid at a point. The liquid has a specific weight 15 kN per meter square.
सरफेस टेंशन बता रखा है इन कॉन्टैक्ट विद एयर. इफ फॉर द लिक्विड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्लास इज जीरो एंड कैपिलरी राइज इन द ट्यूब इज नॉट एक्सीडेड टू 2 mm, व्हाट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम डाया? थोड़ा तेज चले. चलो तो बच्चे आप यहां से जस्ट बात करेंगे तो हाइट कैपिलरी राइज का कितना आया था? 4 sigma cos थीटा. आप बोल रहे तेज चलो, मैं तो बोल रहा हूं ना कि आप तैयार, आप आंसर दो जल्दी जल्दी, आंसर दो जल्दी जल्दी. देखो मैं उससे तेज चलता हूं, आप आंसर देते नहीं हो. मुझे बोल रहे हो कि सर आप तेज चलो, बताओ कैसे करेंगे. आधे बोलेंगे सर मेरा आंसर ही नहीं आया. निकाल दो यार सॉल्यूशन, फॉर्मूला मैं ही बताऊंगा तो फिर गलती होगी हर बार, है ना. हो गया 8 mm, 8 mm. आंसर आ गया 8 mm. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट ऑफ द टाइप कॉमनली यूज फॉर ग्रीसिंग द ऑटोमोबाइल कंसिस्ट ऑफ 280 mm डायर रैम दैट स्लाइड्स इन अ 280.18 mm सिलेंडर. Annular space between the ram and cylinder is filled with oil having kinematic viscosity of 0.0042 meter square per second. Specific gravity बता रखा है. The rate of travel of the ram is 0.22 meter per second. Find the frictional resistance when 2 meter of the ram is engaged in the cylinder. तो उसने आपसे frictional resistance अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, करते हैं करते हैं. आपसे एफ पूछा है, बस ये याद रखना है. ठीक है, बियरिंग वाला सेम केस है. क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा, जल्दी से करें. हाइड्रोलिक लिफ्ट ऑफ द टाइप कॉमनली यूज फॉर ग्रीसिंग द ऑटोमोबाइल कंसिस्ट ऑफ अ 280 mm डायर रैम. ठीक है, यहां से एक लिफ्ट है एंड 280 एंड 280.1 दे रखा है, 1.8 दे रखा है. करिए जल्दी से, करिए जल्दी से. ये आपके पास 280 है और दिस इज 280.1. ठीक है, तो ये जो गैप हो जाएगा वो 0.9 हो जाएगा. गैप हो जाएगा. ठीक है, जल्दी से बताएं. यस, नींद नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए भाई, नींद नहीं. जल्दी जल्दी आंसर बताना है, फिर सोना है. खाने के बाद नींद आती है मुझे पता है ना. ये आपका रिवीजन है, जस्ट रिवीजन है. आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आप ना बना पाए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना बना पाए. मेरा हाथ दर्द करना शुरू कर गया.
बेटा यहां से देखो ना, उसने बोला है कि ये 280.18 mm है, तो जब ये 280.18 mm है तो 0.18 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.09 ही तो आएगा, तो 0.09 ले लो। अच्छा मैं 0.9 लिख गया हूं क्या? ठीक है ये लीजिए, 0.09 है तो 0.09 ले लो। ठीक है, अब आपको एफ निकालना है। एफ इज इक्वल टू, आप यहां से बोलोगे सर म्यू इंटू ए इंटू वी डिवाइडेड बाई वाई होता है, रेजिस्टेंस पूछा है ना, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पूछा। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होगा यार, शियर फोर्स की तो बात कर रहा है, तो म्यू उसने कितना दे रखा है, म्यू उसने यहां से बताया 0.8, म्यू उसने कहीं से बताया है क्या? अच्छा ठीक है, म्यू नहीं बताया, तो म्यू अगर हम बात करें तो न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो होता है, तो म्यू यहां से निकाल दोगे, न्यू कितना है 0.0042 है ना, और रो आपके पास कितना है बच्चे यहां से 860, तो रख दो यहां से 0.0042 इंटू 860 इंटू एरिया। अगर हम एरिया की जस्ट बात करेंगे तो हमारे पास एरिया कितना आएगा, देखो एरिया की जब भी बात करेगा तो ये आपका लिफ्ट का सिलेंडर है, उसने यहां से क्लियरली बोला है कि डाया ऑफ द रैम दैट स्लाइड इन अ 280.18 mm सिलेंडर, तो मतलब सिलेंडर ही होगा जो सिलेंडर के अंदर स्लाइड कर रहा होगा, और अगर बेटा सिलेंडर आपका सिलेंडर के अंदर स्लाइड कर रहा होगा तो मुझे यहां से ये चीज क्लियर होनी चाहिए ना कि मुझे ये वाला एरिया चाहिए, और अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए तो एरिया विल बी डेफिनेटली इक्वल टू पाई और इनटू डाया, डाया कितना है बेटा 280, तो 0.28, और इनटू एल लेंथ उसने कितनी बोली है, वहां से बोला है 2 मीटर की लेंथ है, तो ये आ गया। वेलोसिटी उसने यहां से कुछ बताई है क्या, वेलोसिटी उसने 0.22 बताई है, डिवाइडेड बाय वाई, वाई कितना 0.9 इनटू 10^-3 निकल आएगा आपका, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। तो 1.55 किलो न्यूटन आएगा, ये जो आएगा वो 1.55 आएगा ना, जो मैं लिख रहा हूं वो विजिबल तो है ना तुम लोगों को, 1.55 किलो न्यूटन आएगा बच्चे। देखो सही है, टाउ 8824 आया क्या? यस, खुशबू ने बता दिया है, मनीष ने बता दिया है, हैप्पी कि ये लोग बता पा रहे, हाँ सब लोग बता दे रहे हैं, गुड गुड गुड। खुशबू ने बताया, मनीष ने बताया, एसके ने बताया, मनोज ने बताया, इन लोगों ने सब ने बता दिया है। और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पवन ने शायद गलत किया है, कुछ मिस्टेक कर दिया है, तो 1.55 आएगा बेटा आंसर, इसको जस्ट कैलकुलेट ही करना है, बस आप एरिया में गलती कर सकते हैं, एरिया यार सिलेंडर के अंदर है तो पाई इंटू डी इंटू एल विल बी द एरिया, सो एरिया विल बी पाई इंटू डी इंटू एल, और आप यहां से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मुझे जल्दी से आंसर बता देंगे। ठीक है, आंसर इज क्लियर, तो हमारे 8 क्वेश्चन हो गए, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, टाइम नहीं है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन बोल्ड करते हैं, दिख नहीं रहा है, चलो कल से मैं बोल्ड करके लाऊंगा, आज तो पॉसिबल नहीं है, अब तो ये पीडीएफ बन चुका है। फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल हैविंग डेंसिटी 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, द शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन ऑयल इज बता रखा है 0.2452, वेलोसिटी ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट इज 0.2 पर सेकेंड, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको बताना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको बताना है।
आ गया यार, सिंपल है आपसे यहां से जस्ट उसने क्या क्या दे रखा है, शेयर स्ट्रेस बता रखा है, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई है ना, तो यहां से म्यू निकल आएगा टाउ डिवाइडेड बाई 0.2452 डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट 0.2 और म्यू बाई रो कर दो 981, तो आपके पास यहां से काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी। कितनी आ रही है? 0.0012 करेक्ट, 0.0012 इज करेक्ट। सब लोगों ने कर लिया है मेरे ख्याल से, किसी को कोई इश्यू होगा नहीं, तो 0.0012 इज करेक्ट। अगर स्ट्रोक में बतानी होती तो कितनी स्ट्रोक आती है, अगर मुझे स्ट्रोक में बतानी होती तो कितने स्ट्रोक आती, कोई बता सकता है मुझे? अगर मुझे स्ट्रोक्स में बतानी होती है तो कितने स्ट्रोक्स आती है? कैन आई राइट कि ये 12 स्ट्रोक्स होती? कैन आई राइट? करेक्ट है, अगर यहां पे कुछ और 0.24 आ रहा हो तो 12.4 स्ट्रोक होता। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? क्योंकि मुझे पता है वन स्ट्रोक इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है यहां से 10 to the power -4, सॉरी 1 न्यूटन सेकंड, हमने यहां से काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहे थे, हमारे पास कितना आता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी 1 stroke is equal to 10 to the power -4 newton per meter square होता है। ऐसे तो होता है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन बिटवीन द शाफ्ट एंड स्लीव इज 6 पॉइस। द शाफ्ट इज ऑफ डाया 0.4 मीटर एंड रोटेट एट 190 rpm। कैलकुलेट द पावर लॉस इन बियरिंग पर अ स्लीव। उसने यहां से बोला लेंथ ऑफ 90 mm, द थिकनेस ऑफ द ऑयल बता रखी है 1.5। कोशिश तो यही है बेटा कि हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके जनरली बनते हैं। आप देखो ना कि मैं सारे पोर्शन कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, सारे पोर्शन आपका शुरू से लेके जैसा डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी से लेके बियरिंग से लेके सारे पोर्शन कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अब आप ये मत सोचना कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आपके इन जनरल पूछे जाते हैं। V इज इक्वल टू, आप यहां से आर ओमेगा लगाना, आर इंटू 2 πn/60। 2R इज इक्वल टू डी हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू डायरेक्टली लगा देना πdn/60 और V निकाल देना, और V जैसे निकल आएगा वैसे आपको थिकनेस ऑफ द ऑयल आ जाएगी। क्या पूछा है उसने? अच्छा सॉरी, थिकनेस नहीं पूछा है उसने, यहां से पावर लॉस इन द बियरिंग पूछा है। बियरिंग वाले सिविल में नहीं आते हैं, शाफ्ट वाले तो आ जाते हैं, बियरिंग वाले नहीं आते हैं, है ना। शाफ्ट वाले क्वेश्चन तो आ जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास V निकल आया तो आप यहां से लगा दो जरा tau is equal to F लगा दो ना डायरेक्टली, F is equal to mu into A into V divided by Y। mu कितना है आपको पता है, 6 पॉइस है तो 6 × 0.1 एरिया आपके पास यहां से कितना है, उसने यहां से बताया शाफ्ट डाया 0.4 मीटर है और लेंथ उसने बता रखी है 90 mm है, तो पाई इंटू डाया 0.4 इंटू लेंथ 0.09 डिवाइडेड बाई इंटू वेलोसिटी भी पूछिए, इंटू वेलोसिटी भी है, अब वेलोसिटी कितनी है बेटा आपके पास, यहां से निकाल लोगे दैट इज πdn/60, वी रख देना डिवाइडेड बाई यहां से जस्ट आओगे जो भी आएगा वाई, वाई आपसे पूछा है, वाई आपसे पूछा थिकनेस ऑफ द ऑयल सॉरी दे रखिए,
ये 1.5 दे रखा है, फोर्स निकल आएगा, पावर निकालोगे तो फोर्स इंटू वेलोसिटी आ जाएगा, पावर निकालोगे तो फोर्स इंटू वेलोसिटी आ जाएगा। 716 आ रहा है, प्रवीण का 71 पॉइंट आ रहा है, तो ये अलग अलग क्यों आ रहा है? किसी का 716 आ रहा है और किसी का 71 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो वाई द आंसर इज डिफरेंट। और अविनाश शर्मा का जो आंसर आया है वो 3.5 किलोवाट आया है, तो ये दो अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं बच्चे, बस मुझे ये बता दो। पाइडियन बाई 60 हमें यहां से करना था, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी लगाना है, तो आपका पावर आएगा। बहुत जल्दी कर रहे हैं इन क्वेश्चन को, अगर हम चाहते तो इन क्वेश्चन को मतलब आराम से करते तो 2-3 घंटे लगते, बट आई एम ट्राइंग कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करूं इसको। बंकिम ने 7090 बताया है, तो 71.6 वॉट दो लोगों ने दिया है, 716 दो लोगों ने दिया है, मैं कौन सा आंसर मान लू बस ये बता दो, कौन सा आंसर मान लू बस ये बता दो। प्रवेंद्र और पवन खुशबू, बच्चे आप लोग आपस में क्लियर करो जरा एक बार, क्या मिस्टेक हुई है? कैलकुलेशन तो यही है ना, कैलकुलेशन तो यही है ना, डाया उसने मीटर में दे रखा है, बस इतना याद रखना, डाया मीटर में, ठीक है। आंसर कंफर्म करें, मैं इसका आंसर नहीं है मेरे पास, इसका आंसर नहीं है मेरे पास, V का आंसर है, V is 3.98, आंसर होता तो मैं अब तक कंफर्म कर देता आपको। 713 मेरे पास इसी का आंसर नहीं है, इसका आंसर गिवन नहीं है, इसका V का आंसर तो गिवन है बट इसका आंसर गिवन नहीं है मेरे पास, अगर होता तो मैं डेफिनेटली बता देता। तो 713 मैं मान के चल रहा हूं कि 713 आ रहा है, तो 716 थिकनेस एमएम में है, यहां से जस्ट देखो आपके पास ओके ओके, थिकनेस ऑफ द ऑयल जो है वो एमएम में है, तो 10 टू द पावर बचे -3 आएगा यहां पे, है ना, 10 टू द पावर -3 आएगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई हाँ यहां पे करना पड़ेगा जो भी आएगा, और ये आएगी आपके पास पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी। मैंने यहां पे 10 टू द पावर -3 का मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो आप लोग जस्ट देख लेना कितना आ रहा है, 716 वॉट आ रहा होगा, 716 वॉट आ रहा होगा, ठीक है। सो 716 वॉट इज करेक्ट, 10 टू द पावर -3 का मल्टीप्लाई आई हैव नॉट मल्टीप्लाइड बट कुछ लोगों ने किया और आंसर जो है वो 716 आ गया, ठीक है। एरिया में कैलकुलेशन मिस्टेक, देखो यहां से एरिया की बात करो तो एरिया इज इक्वल टू, आप यहां से क्लियरली लिखोगे ना एरिया, एरिया इज इक्वल टू आप देखोगे पाई इंटू डी इंटू एल, पाई आपके पास है, डाया उसने बता रखा है 0.4 है, और शाफ्ट है तो लेंथ चाहिए 90 mm है, तो 90 इंटू 10 टू द पावर -3 मिलेगा, तो मैंने 0.09 डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। ये करेक्ट है, अगर आप यहां से टॉर्क निकालेंगे तो P इज इक्वल टू टी ओमेगा लगाएंगे तब भी सही है, आप चाहे जैसे करो, देखो मैं आपको दिखा देता हूं इस चीज को, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये आंसर ठीक है 716 आ रहा है बच्चे, है ना, इसका आंसर 716 है, आप लोग चेक कर लीजिएगा आंसर जो आ रहा है वो 716 आ रहा है, बट कुछ इससे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हमने एक लगाया पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी को ऐसे ब्रेक कर दूं तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आता है, और ये बेटा हमारे पास टॉर्क है, फोर्स टॉर्क है, और ये हमारे पास 2 पाई एन टी एन डिवाइडेड बाई 16 है ना, तो आपके पास 2 पाई एन और यहां से टी बाई 16, यही चीज आप कर रहे हो, कुछ स्पेशल नहीं है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर हमने कुछ अलग कर दिया है जिसकी वजह से गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यही चीज आपने किया है तो हमने वही यहां से कर लिया, ठीक है बच्चे। 716 वाट आ गया, कल कौन सा चैप्टर होगा, कल हम लोग सेकंड चैप्टर पे बात करेंगे और प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज और सेकंड चैप्टर दोनों को मिक्स करेंगे कल, ठीक है। तो किसका था, पवन, पवन बच्चे मेरे ख्याल से आपने समझ गए होंगे, है ना, कि 2 पाई एन टी बाई 60 ये करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां से. अ न्यूटोनियन फ्लूइड इज फिल्ड इन द क्लियरेंस बिटवीन अ शाफ्ट एंड कोसेंट्रिक स्लीव. द स्लीव अटेन अ स्पीड ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकंड व्हेन अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन is applied to the sleeve parallel to the shaft. Determine the speed if the force is 200 newton applied. ठीक है, जल्दी से. टोटल 15 क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से अब अगले 15 मिनट में क्वेश्चन ये खत्म हो जाना चाहिए. सेकेंड चैप्टर कल मैंने बोला, कल मैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज प्लस प्रेशर मेजरमेंट दो चीजें करके आऊंगा, है ना. प्रेशर मेजरमेंट और फ्लूइड प्रॉपर्टीज इन दो के क्वेश्चन रहेंगे आसान वाले, है ना. तो कल आपको इनसे क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग जस्ट ध्यान रखना, कल हम लोग इससे करेंगे. न्यूटोनियन फ्लूइड है फिल्ड बिटवीन अ क्लियरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड कोसेंट्रिक स्लीव. शाफ्ट है दो, आप शाफ्ट और सिलेंडर की बात कर सकते हैं. एक सॉलिड शाफ्ट मान लीजिए और इसके बाहर एक सिलेंडर है जिसको उसने स्लीव बोला है. ठीक है, इसको ऐसे ले लो, ये आपका फिक्स है. द स्लीव अटेन अ स्पीड ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है, यहां से स्लीव फिक्स, ये शाफ्ट फिक्स कर रखी, स्लीव को उसने 50 मीटर पर सेंटीमीटर दे रखा है. फोर्स 40 न्यूटन है, फोर्स जो दे रखा है 40 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्लीव पैरेलल टू द शाफ्ट. इस शाफ्ट के पैरेलल लगाया जा रहा है, तो एफ इज इक्वल टू 40 न्यूटन लगा दिया है. ठीक है, और उसने बोला स्पीड ऑफ बता दी है. F is equal to बच्चे, F is equal to mu into a into v divided by y है. तो आप F directly proportional to यहाँ से v कर सकते हैं, because सब कुछ fix है. बस हो गया question. अभिनंदन, तुम पढ़ने पे कम ध्यान देते हो, मुझे ऐसा लग रहा है. डिमांड पे ज्यादा ध्यान देते हो, है ना. मैं दो तीन दिन से देख रहा हूँ, तुम थोड़ा पढ़ना शुरू करो बेटा, है ना. कोई तुम्हें डाउट आता तो प्लीज मुझे कॉल करो, मैसेज करो, लेकिन पढ़ने पे ध्यान दो. फालतू की चीजों पे, है ना, मैं कर रहा हूँ अपने साइड से, परेशान मत होइए, लेकिन आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए प्लीज, है ना. तो हमारे पास सब कुछ गिवेन है बेटा, है ना. 40 बाई आपको करना है, 40 बाई 200 और वेलोसिटी उसने यहां से दे रखा है 50 बाई वी. आपको जैसे यहां से सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है, तो चलो यहां से v आपके पास आ जाएगा. v इज इक्वल टू कितना आएगा वो आप यहां से कर सकते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 250. सबका आंसर हो गया, है ना. बस तीन क्वेश्चन नहीं बना, चलो बहुत ही अच्छी बात है, चलो बहुत ही अच्छी बात है, है ना. दुख इस बात का है कि वो तीन क्वेश्चन क्यों नहीं बना. टू लार्ज प्लेन सरफेस आर 24 सेंटीमीटर अपार्ट, द स्पेस बिटवीन द सरफेस इज फिल्ड विद अ ग्लिसरीन. द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ड्रैग अ वेरी थिन प्लेट ऑफ सरफेस एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर बिटवीन द टू लार्ज प्लेन सरफेसेस एट अ स्पीड ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड. थिन प्लेट इज इन द मिडिल ऑफ टू प्लेन सरफेसेस और थिन प्लेट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.8 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द प्लेट. और उसने यहां से बता रखा है बेटा, म्यू जो है 8.1 into 10 to the power minus 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है. और ये क्या दे रखा है, दो वाले लिख दिया बस, ठीक है, दो बार लिख दिया. बताइए जल्दी से, दो केसेस हैं बेटा, दो केसेस हैं, तो मेरे ख्याल से आप कर लेंगे. यहां पे जो F लग रहा होगा वो इन दोनों के सम के बराबर लग रहा होगा. बताइए जल्दी से, पहला केस जो है वो दोनों मिडिल में है. F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 रख देते हैं सर. F1 इज इक्वल टू म्यू 0.81 रख देते हैं इनटू एरिया 0.5 इनटू वेलोसिटी 0.6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 1.2 इनटू 10 टू द पावर माइनस प्लस. सेम ही नीचे वाले पे लग रहा होगा तो क्या ही सर दोबारा जोड़ना है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो.
खत्म कर दो क्वेश्चन को, ठीक है, टू का मल्टीप्लाई कर दो और खत्म कर दो क्वेश्चन को, ऐड करना था उतना ये आता उतना ये आता, तो हम क्यों करते, क्यों करते भाई हम ऐसा, हम तो सर तेज लोग हैं, लो रख दिया सर हमने यहां पे, बता दो आंसर जल्दी से। एफ पहले केस में कितना आया और दूसरे केस में कितना आया, फर्स्ट के केस में 2.025 न्यूटन आ रहा है, सेंटीमीटर अपार्ट, एक मिनट देखना इसमें दो चीजें, एक मिस्टेक, ये 2.4 है, ये 1.2 दे रखा है, तो 1.2 इनटू 2 अभी ठीक है ना, वो ऊपर 24 लिख दिया है, तो कुछ लोग किसी से करेंगे, कुछ लोग किसी से करेंगे, फिर मिस्टेक होगी। 3.03 पहले का पवन ने बताया 2.02, क्या ये सही है? यस, 0.405 न्यूटन आ रहा है, 0.405 न्यूटन आ रहा है, और आंसर जो गिवन है वो 40.5 न्यूटन गिवन है, इसका जो आंसर गिवन है ना एफ का वो 40.5 न्यूटन गिवन है, जरा बताना कितने लोगों का आया ये। कितने लोगों का आया है? 0.405 आ रहा है, अभी का 40.5 आया, बाकी सबका 405 आया, तो आंसर मुझे बताएं यहां से, जो गिवन आंसर है वो ये है, मैं आपको बता दे रहा हूं, जो गिवन आंसर है वो 40.5 है, आप बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है। नितेश भारती 40.5, अरे यार इसी को सॉल्व तो करना है यार, इसी को तो सॉल्व करना है सर, म्यू रख दो यहां से ना, म्यू रख दो, म्यू 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 कितना है सर मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूं, पहले मैं काफी परेशान रहा करता था, मुझे म्यू नहीं पता था, बताओ म्यू कितना है, 0.81 है, एरिया पहले मुझे एरिया भी नहीं पता हुआ करता था, वेलोसिटी 0.6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 1.2 इनटू 10 टू द पावर -2, दो का मल्टीप्लाई कर दो, जय माता दी बोल के आंसर निकाल दो, तो 40.5 आएगा। तो आप लोग कहां मिस्टेक कर रहे हैं यार, जरा जरा सी मिस्टेक, जरा जरा सी बातों में मिस्टेक कर जाते हो, कहां मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, कहां मिस्टेक कर रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा, यहां से उसने जस्ट बोला है कि 0.8 सेंटीमीटर मतलब एक डिस्टेंस अगर 0.8 है तो दूसरी डिस्टेंस जो है वो आपके पास कितनी बचेगी, आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आपके पास बचेगा 1.6, ठीक है, ये बचेगा 1.6, तो F is equal to, आप ऐड करना पड़ेगा आपको म्यू, म्यू आपके पास वही है, म्यू इनटू एरिया 0.5 ही रहेगा, इनटू वेलोसिटी उसने यहां से बोली है 0.6, कुछ मतलब ही नहीं है, डिवाइडेड बाय आपके पास यहां से 10 टू द पावर -2 प्लस 0.81 इनटू 0.5 इनटू 0.6 डिवाइडेड बाय आपके पास 0.81 इनटू 10 सॉरी 0.8 इनटू 10 टू द पावर 1.6 into 10 to the power -2। दूसरे के केस में बताइए कितना आ रहा है आंसर, दूसरे के केस में आंसर बताएं कितना आ रहा है, दूसरे के केस में जो आंसर आएगा वो 45.5 गिवन है, जो आंसर गिवन है बच्चे वो 45.5 गिवन है, अब आप लोग बताएंगे कि वो क्या आंसर है करेक्ट। मेरा ना हाथ दर्द करना शुरू, बताइए देखो ये श्योर है कि आपका फोर्स बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे ये जैसे जैसे पास में आएगा ना वैसे वैसे शियर स्ट्रेस बढ़ना शुरू होगा, तो फोर्स बढ़ेगा, यहां पे सबसे मिनिमम लगेगा, मिडिल पे सबसे मिनिमम फोर्स लगेगा, ये चीज ध्यान रखना,
आप ऐसी गलती मत कर जाना, ये तो श्योर शॉट है कि बढ़ेगा। अब आप डिसाइड कर लो कि हाँ सर कैसा आएगा 45.5। तो जिन्होंने 27 दिया था उन्होंने गलती कर दी है, जिन्होंने 27 दिया था उन्होंने गलती कर दी है, और क्या गलती की है वो जाने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। उसने बोला गैस वे 16 न्यूटन पर मीटर क्यूब है 25 डिग्री सेल्सियस एट एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 0.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिटरमाइन द गैस कॉन्स्टेंट एंड डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस और गैस कॉन्स्टेंट बताइए। तो बच्चे यहां से वेट दिया है आपको, वेट दिया है और W इज इक्वल टू आपका mg होता है, mg उसने 16 दे रखा है, तो मास कितना आ जाएगा 16 by 9.81। ठीक है, 16 by 9.81। अब हमारे पास यहां से जस्ट मास गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, तो PV इज इक्वल टू mRT लगा दीजिए आप। यहां से जस्ट वॉल्यूम निकालेंगे तो mRT by P लगाएंगे और यहां से आपका वॉल्यूम निकल आएगा, जब वॉल्यूम निकल आएगा तो डेंसिटी भी निकल आएगी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी निकल आएगी। अब गैस कॉन्स्टेंट कैसे निकालेंगे, गैस कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ये तो इसी से निकलेगा सर, ये तो इसी से निकलेगा, गैस कांस्टेंट तो सर इसी से निकलेगा। अब हम यहां से कैसे कर सकते हैं ये बताइए जल्दी से, बताओ बताओ अब हम कैसे करेंगे सर, ये तो हमारे पास मतलब कुछ चीजें गड़बड़ हो गई हैं, फिर कैसे करेंगे। किसी बच्चे का मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं, कोई बच्चा कमेंट कर दे और मुझे बता दे कि हम लोग कैसे करेंगे। मेरे अंदर से ना जस्ट ऐसा कमेंट वाला वो निकल रहा है कि एक बार बता दो कि क्या करेंगे। गैस कॉन्स्टेंट का फिक्स वैल्यू कैसे, एक गैस के लिए कौन सी गैस है ये कैसे बताओगे, कौन सी गैस है ये कैसे बताओगे, ये थोड़ा ना पता है, ये पापा भी नहीं बताएंगे आके, गैस तो आपको पता करनी है। यूनिट वॉल्यूम लेंगे, ओके, और कोई तरीका, और कोई तरीका नहीं समझ आ रहा है। प्रवेंद्र है क्या अवेलेबल, आर बाई आर करेंगे। चलो, किसी बच्चे ने मुझे ये नहीं बोला कि सर ये आपने क्या किया, मुझे आप ये बताओ, मुझे आपने यहां से इसकी यूनिट दी है न्यूटन पर मीटर क्यूब, आपने रख दिया डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी दैट इज न्यूटन, तो ये तो सर आप हमारे साथ अत्याचार कर रहे हो। मुझे किसी बच्चे ने यह चीज नहीं बोली कि सर आप ये कर क्या रहे हो, आप मुझे फंसा दे रहे हो, मैं परेशान हूं खुद ही और आप मुझे और परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने बोला सॉरी बेटा, अगर कोई आप ऐसा बोलता तो मैं सॉरी बोलता, लेकिन किसी ने मुझे ऐसा बोला नहीं तो मैं किसी को सॉरी नहीं बोलूंगा। हटो, छोड़ो, यहां से देखो, अब मैं किसी को सॉरी नहीं बोलूंगा, आप लोग सॉरी बोलिए कि आपने मेरी गलती नहीं पकड़ पाई। अब मेरी बात सुनो, हमें यहां से पता है कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू आपका यहां से वेट अपॉन वॉल्यूम होता है जिसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। याद आया आपको, याद आया, अगर इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है तो बेटा ये दे रखा है आपको 16, ये आपको 16 दे रखा है स्पेसिफिक वेट, ना कि ये, और स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू आप यहां से रो जी भी पढ़ते हैं, याद है आपको, आप डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी लगाते थे डिवाइडेड बाई आप वी लगाते थे, मास अपॉन वॉल्यूम आपका डेंसिटी हुआ करता था और आप यहां से रो जी लगाते थे। ठीक है, और अगर आप यहां से रोजी लगाते हो तो अब आप यहां से डेंसिटी निकाल सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू 16 by 9.81 आ जाएगा, दैट इज द डेंसिटी ऑफ गैस। अब डेंसिटी ऑफ द गैस जब आप लगाओगे तो आपको एक और चीज पढ़ाई है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। अब आप बोलोगे सर हमें यहां से वॉल्यूम तो पता नहीं है, तो कोई बात नहीं बचे,
P into V by M is equal to, मैंने RT भी पढ़ाया है, और आप यहां से P by, V by M क्या होता है बेटा, volume by mass upon volume का, तो density हो गई, और that is equal to RT, तो आपका R निकल आएगा, that is P by rho T से, यहां से आपका R निकल आएगा, उसने density constant बोला है, gas constant और density दो ही चीजें पूछी हैं, क्या निकाल पाओगे, क्या निकाल पाओगे आप? ठीक है, जरा सा क्वेश्चन है, दो लाइन का क्वेश्चन है, और ये चीज मैंने बताई थी जब मैं एफएम पढ़ाया हूं तो डेफिनेटली ये चीज बताया हूं, एफएम के कई बार यार ये तो 12th 11th 12th 9th में भी पढ़ते होंगे, बताइए। तो डेंसिटी आप यहां से निकाल दोगे कितनी आ रही है वो बता दो, और आर इज इक्वल टू पी वाई यहां से रोटी से निकालो, ये है गेट 2022 का क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। आंसर बताओ बेटा, ये कितना आ रहा है, 1.63 आ रहा है क्या, ये हमारा 1.63 आ रहा है क्या, और अगर ये 1.63 आ रहा है तो बच्चे इसको लगा दो जल्दी से, प्रेशर कितना है 0.25 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है 1.63, टेम्परेचर कितना है 298, केल्विन में रखोगे ना टेम्परेचर, केल्विन में रखोगे टेम्परेचर, तो आर निकाल दोगे यहां से और इसको निकाल दोगे 5 × 10⁻⁴ चलेगा, जो भी आ रहा है चलेगा। अब वो कहां गए सूरमा अभिनंदन जो बोल रहे थे गैस कांस्टेंट तो ऑटोमेटिक होता है ना, कुछ भी वो तो फिक्स वैल्यू है ना। चलो, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, दो क्वेश्चन और बचे, फिनिश करते हैं और उसके बाद एंड करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ लिक्विड व्हिच इज कंप्रेस्ड इन अ सिलेंडर फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 0.025 मीटर क्यूब एट 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर टू अ वॉल्यूम ऑफ 0.0124। अरे हो गया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, के पूछा है, के पूछा है, यही आंसर। अगर मैं m इज इक्वल टू 1 लेके सॉल्व कर रहा हूं तो आइडियल गैस इक्वेशन में r निकाल के आ रहा है, हाँ तो बात तो वही है ना बच्चे, आपने यहां से पर मीटर क्यूब ले तो लिया स्पेसिफिक वेट, तो आप वहां से वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं, ये यूनिवर्सल नहीं है बच्चे, ये यूनिवर्सल नहीं है यार, यूनिवर्सल की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है 8.314, है ना, यूनिवर्सल के बारे में कोई बदतमीजी नहीं चलेगी, ये गैस कांस्टेंट है जो गैस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। बताइए, What is the bulk modulus of elasticity of a liquid which is compressed in a cylinder from a volume of 0.025 meter cube at 80 newton per meter square pressure to a volume of 0.0124 meter cube at 150 newton per meter square pressure? जल्दी से बताएं। इस क्लास को एंड होने के बाद कल मॉर्निंग में इसमें पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, तो आप लोग यहीं से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, यहीं से आप लोग डाउनलोड कर लेना। K इज इक्वल टू, यार आपको पता है dP डिवाइडेड बाय माइनस dP बाय B होता है, इतना क्यों सोच रहे हो बता दो, dP की बात करोगे तो 80 और 150 माइनस 80, टाइम मेरा भी जा रहा है और आपका भी जा रहा है ना, तो माइनस dB आ जाएगा बच्चे कितना 0.012 माइनस ऑफ 0.025 डिवाइडेड बाय V.025, ठीक है, सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बता दो मुझे K की वैल्यू 138.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 138.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों ने कर लिया. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द कैपिलरी राइज इन अ ग्लास ट्यूब ऑफ 2.5 mm डाया व्हेन इट इज इमर्स वर्टिकली इन वाटर. Hg, टेक सिग्मा. उसने यहां से जस्ट बोला, एक बार वाटर में बोला, एक बार Hg में बोला. ठीक है, एक का ही निकाल दो आप किसी का भी. सिग्मा उसने बता रखा है फॉर वाटर और सिग्मा Hg के लिए उसने बता रखा है यहां से. इन कॉन्टेक्ट विद एयर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये ग्रेविटी है बेटा ना, दिस इज ग्रेविटी लिखा है, इट इज ग्रेविटी. फॉर Hg इज गिवन एज 13.6 एंड एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू 130 डिग्री. तो बताए जल्दी से, 130 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है. तो कैपिलरी राइज पूछा है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा. 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो इनटू जी इनटू डी. ठीक है, आपके एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो आएगा वो एचजी के लिए 130 आएगा, वाटर के लिए आपका जीरो रहेगा. वाटर के लिए आपका जीरो रहेगा. दोनों के केस में आंसर बता दो जल्दी जल्दी से, Hg as well as water. यस बच्चे, कैलकुलेट तो करी लोगे. वॉइस क्लियर नहीं है, भक्तिदास पवार बोल रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, तो प्लीज लेट मी नो वेदर द वॉइस इज क्लियर और नॉट. 4 सिग्मा 0.52 कॉस 130 डिवाइडेड बाय आपके पास यहां से आ जाएगा रो आपका 13600 जी 9.81 और आपके पास यहां से डाया 2.5 into 10 to the power minus 3. गलत है अविनाश बोल रहे, गलत है. वाटर के लिए 1.53 आ रहा है. वॉइस तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से यार, ऐसा भी मत बोलो यार. 1.537 फॉर वाटर आ रहा है. और Hg के लिए आपका कितना आ रहा है, 0.4. यस, Hg के लिए आपका 4 mm आ रहा होगा और इसके लिए आपका 11.83 आ रहा है. देखो करेक्ट है क्या ये 11.83? वॉइस क्लियर? चलो आ गया सबका. हाँ 11.83 इज करेक्ट. मुझे एक चीज बताओ, पहले तो आज पहला ही लेक्चर था, ये सीरीज आपको बेनिफिशियल लग रही है तो मैं आगे कंटिन्यू करूं. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैं नहीं मतलब माइनस 4 आएगा तो ओके, दैट नॉट एन इशू. आपका ये एक्चुअल में जो मरकरी है ना वो ऐसा बनाता है तो ये फॉल आ रहा है ना, वो फॉल आ रहा होगा तो माइनस 4 आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मरकरी आपका नीचे की तरफ कोहेशन करता है, कोहेशन करता है ना, तो इस वजह से माइनस आएगा, कोई इशू नहीं. माइनस आने दो, दैट्स नॉट एन इशू. तो मुझे ये बता दो कि ये रात में हम लोग 11 से 12:30 अगर हम करेंगे तो 11 से 12:30 में कोई इशू तो नहीं है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मुझे जबरदस्ती जगाया जा रहा है तो ऐसा अगर है तो मैं बंद कर सकता हूँ. बट आई वॉन्ट कि मतलब हम लोग रात में करें ना, रात में करेंगे, खाना वाना खा के 1-1.5 घंटा करेंगे और ये लगातार चलेगी. लगातार मतलब पहले FM करेंगे, फिर हीट ट्रांसफर करेंगे, फिर थर्मो करेंगे, फिर थर्मल एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद टोम करेंगे.
ठीक है। तो ऐसे करते रहेंगे, ये लगातार सीरीज चलती रहेगी और आप आराम से इसको एंजॉय करते रहो ताकि जो क्वेश्चन हैं वो आपके पूरे होते रहे, ठीक है। चलो हाँ, पूरा बंद नहीं, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। योगेश तुम्हारा जो एक ख्वाहिश था ना 1000 क्वेश्चन सीरीज, ये यहीं से मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। क्वेश्चन थोड़े बोल्ड कर, क्वेश्चन को कल से बोल्ड कर दूंगा, ठीक है, कल से क्वेश्चन को बोल्ड कर दूंगा, है ना, बोल्डनेस की सारी हदें क्रॉस करा दूंगा क्वेश्चन की, परेशान मत। चलो तो कल से मिलते हैं बेटा हम लोग डेली शाम को 11 बजे। बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि जो लोग जगने की हिम्मत रखते हो वो लोग 11 बजे मिले और 11 से 12:30 हम लोग का डेली चला करेगा। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, सब लोग मस्त रहो, हैप्पी रहो। प्रोडक्शन अगर टाइम मिला तो प्रोडक्शन कर दूंगा मैं, ठीक है, प्रोडक्शन अगर टाइम मिला, प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, पहले इन टॉपिक्स को निपटाएंगे फिर हम प्रोडक्शन कर लेंगे, ठीक है बेटा। ओके थैंक यू, चलिए एंड करते हैं फिर इसको, थैंक यू। ये त्यागी 100 मेरा कोड है, इसके साथ बनाए रखिएगा अपना प्यार, है ना, दिस इज माय कोड त्यागी 100। चलो तो कल से 11 बजे रेडी रहना सब लोग, बाय बाय, गुड नाइट।